नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी परीक्षाएं इस समय वर्तमान में चल रही हैं, जितनी भर्तियां चल रही हैं, सभी की वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित कार्यवाही यानी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब किसका रिजल्ट आएगा, कब किसकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31 जनवरी 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर सभी भर्तियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है, चाहे आपने कोई भी परीक्षा दिया हो यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आबकारी सिपाही भर्ती 2016 की भर्ती के बारे में। तो वर्तमान की बात करें तो 25/9/2016 को इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब आगे क्या कार्रवाई है होनी है, तो यहाँ पर दिया है विधिक परामर्श के आधार पर प्रकरण आयोग के विचाराधीन है। ठीक है, वहीं पर नलकूप चालक 2016 भर्ती की बात करें तो आयोग स्तर पर कोई भी कार्रवाई शेष नहीं है। 5/12/2019 को विभाग को आयोग की संस्तुति का प्रेषण हो चुका है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 भर्ती की बात करते हैं तो फरवरी माह में इसका अंतिम परिणाम आने की पूरी संभावना यहाँ पर पूरा दिया गया है। 24/1/2020 को इसमें साक्षात्कार वगैरह संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं, भर्ती की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है भर्ती वो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के बारे में। तो यहाँ पर दिया कि 13 जनवरी को इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसमें मार्च माह में अभिलेख आदि परीक्षण हेतु तो अर्हत अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन संभव है। ठीक है, आपको बता दें 10 जनवरी को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, तो इसका मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और अभ्यर्थियों की सूची आ जाएगी अभिलेख सत्यापन के लिए। अगली भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपडेट है वो है वीडियो भर्ती को लेकर के। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018 को लेकर के यहाँ पर दिया गया 28/8/2019 को अभिलेख आदि के परीक्षण हेतु अर्हत अभ्यर्थियों का परिणाम की घोषणा हो चुकी है। फरवरी माह में यानी 2020 में इसी माह में अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई होनी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लोअर पीसीएस की जो भर्ती, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिलित और अधीनस्थ सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019। आपको बता दें इसकी परीक्षा 2 दिसंबर 2019 को इसकी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी गई थी प्रारंभिक परीक्षा की। तो इसका जो रिजल्ट है इसी महीने आना है, फरवरी में लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट आना है। मुख्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया कि 4 जनवरी को इसका एग्जाम हो चुका है और 7 जनवरी को इसकी उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो दोस्तों मार्च माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा और टाइपिंग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो मार्च तक आप लोगों को अभी वेट करना है, अगले महीने ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती जो थी 2019 की, 8 जनवरी 2019-2020 को इसका योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। अप्रैल माह में इसकी परीक्षा लिखित परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों जितनी भी भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी से आई हैं सबका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी ये परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।